हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरतीसा। आरतीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक पोटैटो बाइट्स। ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है, क्योंकि हमें कभी भी भूख लगे तो ये नाश्ते में जल्द से जल्द हम बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक नॉन पैन गैस पर रख दी है। 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून चॉप की हुई गार्लिक डालेंगे। ब्राउन हो तब तक इसे ऐसे हिलाते रहना है। गार्लिक का कलर चेंज हो गया है तब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। ये कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर बच्चों को तीखा कम पसंद है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। पानी को उबलने देना है। पानी उबलने लगा है तब इसमें हम डालेंगे जितना हमने पानी डाला था उतना ही राइस का आटा डालेंगे। फ्लेम को लो कर देनी है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। सारा पानी आटे में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। इसे ऐसे 5 मिनट तक हिलाते रहना है। सारा आटा मिक्स हो जाएगा। गैस को बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा करने के लिए हम एक बड़े बाउल में खाली कर देंगे। गर्म है इसलिए इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हमने ये 3 आलू हमने रखे थे, इसे हम ग्रेट कर लेंगे। ठंडा हो गया है, इसमें हम डालेंगे 3 पोटैटो मैंने ग्रेट करके रखे थे, इसे हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे अब 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करके डो बन गया है। अब इसमें हम ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। टाइट डो तैयार हो गया है। इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा लेकर इसे मसल कर इसे ऐसे लंबा लंबा बनाना है। हाथ में चिपक रहा हो तो आप हाथ में ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लें। इसे हम कट कर लेंगे। सबको इसमें डिश में लेना है। दूसरे पार्ट्स को भी ऐसे लंबा गोल बनाकर ऐसे पीस में काट लेने हैं। सारे पोटैटो बाइट्स को मैंने कट करके रख लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया है।
इसको अभी नहीं हिलाना है। थोड़ा पक जाए बाद में इसको हिलाना है। थोड़ा कलर चेंज होने लगा है तब हम इसको लाएंगे। धीरे धीरे चलाना है इसको। कलर चेंज होने लगा है और थोड़ा पकाना है। थोड़ा ब्राउन कलर होगा तो अच्छा दिखेगा। पक गया है अब हम इसे निकाल लेंगे। कितना क्रिस्पी है आवाज से पता चलता है। दूसरे भी बाइट्स हमने तैयार किए हैं।